दोस्तों आज ये UMT का टूल है मेरे पास, जो ISP पिन आउट करके हम अनलॉकिंग करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं ये टूल। तो हर लोग जो GSM फील्ड में जो लोग काम करते हैं, उन्होंने ये टूल हर आदमी ने बोल सकता मैं, जो एक्सपर्ट लोग है उन्होंने खुद का टूल बनाया हुआ है, वो सक्सेस भी है, लेकिन प्राइस रेट थोड़ा हाई है, बहुत प्राइस है उसका। मैंने पूछा एक दो लोगों से तो प्राइस मेरे को ज्यादा बोले, तो मैंने ये UMT का टूल ले लिया, 1200 के आसपास लिया था। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें से मोबाइल कनेक्ट नहीं होता ISP से, तो ये गलत बात है, होता है। मेरा एक भी पीस अभी तक फेल नहीं हुआ, क्योंकि क्या किया है मैंने, इसमें ये जो 117 का जो ट्रांजिस्टर है, ये वाला, ये वाला 1117, इसमें एक 3.3 वोल्ट वाला आता है, एक 1.7 वोल्ट वाला आता है, और एक EDG करके आता है, EDG एडजस्टेबल। तो आपको क्या करना है, ये जो कंपनी का आता है इधर, तो ये निकल के आपको EDJ वाला लगाना है। तो इसमें कैसा रहता है, इधर EDJ करके नाम आता है, इसमें तो नंबर आएगा पूरा 1117 आएगा, लेकिन इसके नीचे आपको ADJ नाम करके आएगा, और ऐसा उसका ये तीन पैर उसके, तो इस तरह से आएगा वो। तो इधर ADJ लिखा हुआ आएगा आपका, या जो 3.3 रहता है तो इधर 3.3 आता है लिखा। तो आपको ये जो कंपनी ने डाला है वो निकाल देना है, तो इसकी जगह मैंने क्या किया, ADJ डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद में और एक चेंजेस करना है आपको, तो यहां से आपको क्या करना है, मैं नजदीक देता हूं, तो यहां से क्या करने का है, 1 2 3 4 चार नंबर से आपको एक रजिस्टर डालना है 220 ओम का। तो यहां पे वन नंबर पे देखिए, 1 2 3 4 चार नंबर से आपको यहां पे 220 ओम का रजिस्टर डालना है, रेड रेड ब्राउन, रेड यानी दो, उसके बाद में दो, और ब्राउन का आता है 1, जो रजिस्टर कैलकुलेट है, कलर कैलकुलेशन है, उसमें ब्राउन का नंबर आता 1, तो 1 की जगह इधर 0 लेते हैं, जो 3 नंबर का कैलकुलेशन रहता है। तो ये आ गए आपका, देखो ऐसे रेड रेड ब्राउन, तो इसमें रेड का 2 2 और इसका ब्राउन का 1, तो तीसरी जगह पे क्या लेते हैं, 1 की जगह 0 लेते, तो 220 ओम। तो ये रजिस्टर आपको यहाँ पे डालना है। आपको ये कोई भी TV वाला कारागिर होगा, लोकल रिपेयरिंग करने वाला, तो वहां से आपको मिल जाएगा। उसके बाद में एक रजिस्टर और डालने का है, यहां से आपको ऐसे करके यहाँ पे डालने का है। ओके, मैंने इधर क्यों डाला है, क्योंकि इधर से इधर डाला तो शॉर्टिंग हो जाएगा, तो मैंने इधर डाला है स्क्रैच करके। तो ये आता है इधर से, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर पे यहाँ पे आता है। आप मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी मोड करके चेक भी कर सकते हो। यहां से मैंने इधर सोल्डर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा दो रजिस्टर दिया है। फिर मैंने मॉडिफाई और एक की बात की, इधर एक कनेक्टर भी लगा दिया, लेकिन ये मैंने इधर वायर नहीं अभी तक जोड़ी। तो इस तरह हम कर सकते, वर्किंग सेम है। अभी ये कारीडर देखिए, इसमें भी सेम IC यूज हुआ है। देखिए ये IC है, ये देखिए ये क्रिस्टल है, देखिए। तो मैंने क्या किया था, ये कारीडर से मैं वायरा निकाल के कर रहा था, लेकिन उसमें क्या है, डेड के चांसेस थे थोड़े, तो मैंने ये प्रोफेशनली ले लिया। तो इसमें एक भी मोबाइल फेल नहीं होता मेरा, सभी हो जाते हैं। तो ये GND का वायर रहता है, तो हेवी लगाना है आपको, ये छोटे तारे नहीं लगानी आपको, GND का जो वायर आता है वो हेवी लगाना है। और दूसरी चीज और एक बात, आपको क्या करना है, Windows 7 नहीं यूज करना है, आपको Windows 10 यूज करना है। आप Windows 10 यूज करो, आपका 100% काम हो जाने वाला है। मैं क्या करता हूं, Windows 7 भी यूज करता हूं, 10 भी यूज करता हूं, लेकिन जो 64 GB का
ईएमएमसी है वो 10 में कनेक्ट होने के लिए मेरे को कम से कम 10 मिनट या 5 मिनट भी लेता है, 5 मिनट तक मेरा वक्त जाता है। मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट होने के बाद में वो जब उसको कनेक्ट करता हूँ, वो भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगा अभी ये वीडियो के बाद में, वो भी वीडियो दिखाने वाला हूँ आपको। कुछ कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो 5 मिनट के आसपास लगते है ये कनेक्ट होने में, क्योंकि क्या मालूम है आईएसपी पिन आउट जो करते हैं हम वो स्लो वर्किंग करता है, और ईएमसी उठा के जो एडेप्टर में डाल के करते हैं वो स्पीड से होता है काम, तो वो ध्यान में रखना है। तो ये वायर मैंने जोड़ा, इसका ज्यादा लंबाई भी नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए ये वाला, तो ये जो यूएमटी का टूल है ये 1200 के आसपास मिल जाता है, ये भी बढ़िया है। लोग आपको बोलेंगे कि ये टूल वर्क नहीं करता, लेकिन मैं 2 साल से इसका ही उपयोग कर रहा हूं, तो इससे मेरा एक भी मोबाइल अभी तक वापिस नहीं गया, 100% काम होता ही है। तो ये आपको ये बदल देना है और वो 2 रजिस्टर डाल देना है, ये 2 चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपका काम हो जाएगा। एडीजे आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप जहाँ पे टीवी का मटेरियल मिलता है, टीवी रिपेयरिंग वगैरह, उस पे एडीजे मिल जाएगा आपको। आपको लगे तो आप मेरे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको मैं एडीजे कुरियर से भी भेज सकता हूँ, तो आपको खाली कुरियर चार्जेस देने होंगे और उसका कुछ मेरे हिसाब से कुछ 10 या 15 रुपए का है वो, यानी 50 और वो 10, 15, 70, 80 रुपए में आपको मिल जाएगा। लेकिन आप जब दुकान में जाके लोगे तो 15 रुपए में भी आपको मिल सकता है दोनों, ये 220 का रजिस्टर और ये 15 रुपए खर्चा है आपको, तो आप करो, बहुत बढ़िया टूल है। दूसरे टूल है मार्केट में लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा है, लोग बोल रहे सक्सेस बहुत है ऐसा, तो ये मेरे को 1200 में मिला, कम रेट है, क्वालिटी भी बढ़िया है, चलता है, बढ़िया है। तो इस तरह ये यूएमटी का टूल है, तो आप ये भी परचेस कर सकते हो मार्केट से।